दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप लोगों को स्वागत है अंजनी जी के जीवन में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भैया दोस्तों मार्केट से आ रहे थे मछली खरीद कर, तो रास्ते में देखे 200 के संख्या में भीड़ था। चलिए दोस्तों आपको भी दिखाते हैं, हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर दिए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। भैया दोस्तों दिखाते हैं, तो देखिए दोस्तों मेरे घर के सामने कितना सारा भीड़ है, चराने लाए हैं। देखिए दोस्तों कम से कम 200-300 के संख्या में होगा। बच्चा का कितना दाम है? 10,000 का ये भी है दोस्तों। तो दिखाए ना दोस्तों कितना अच्छा लग रहा था, सब एक ही कलर का भेड़ था और 200-150 के संख्या में था। आइए दोस्तों चलते हैं किचन में और बनाते हैं मछली रेसिपी। तो आइए दोस्तों चलते हैं मछली रेसिपी। तो दोस्तों मछली रेसिपी बनाने के लिए हम मछली ले लिए हैं, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। मछली ले लिए हैं, मछली को हम फ्रेश से धोए हुए हैं, 5-6 पानी से हम धोकर फ्रेश कर लिए हैं। आइए दोस्तों मछली रेसिपी बनेगा, तो मछली को पहले हम हल्दी और नमक लगा कर तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों तैयार कर लेते हैं, खा लेते हैं। नमक डाल दिए हैं, नमक लगा दिए हैं, तो थाली में रख लेते हैं। दोस्तों हल्दी नमक लगा कर तैयार कर लिए थे। चलिए दोस्तों अब सबसे पहले हम मछली को फ्राई करेंगे, मसाला डालेंगे। आइए दोस्तों दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए मसाला में ले लिए हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और फोरन में डाल देंगे जीरा और सरसों, और यहाँ ले लिए कस्तूरी मेथी, और दोस्तों एक टमाटर को बारीक काट लिए हैं। तो और यहाँ पेस्ट बना देंगे गोल मरीच और पीला सरसों और लहसुन का। तो दोस्तों ये सब मसाला डालकर मछली रेसिपी बनाएंगे। तो आइए दोस्तों तेल गरम है, मछली को सबसे पहले फ्राई करते हैं। तो चलिए दोस्तों फ्राई करते हैं, मछली डालिए, मछली को एक तरफ फ्राई होने देते हैं, उसके बाद पलट देंगे। तो दोस्तों मछली एक तरफ फ्राई हो गया, चलिए पलटते हैं। तो मछली फ्राई हो गया, ताइए कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों एकदम लाल करके हम फ्राई किए हैं, कढ़ाई में दोस्तों इसी तरह से हम सारे मछली फ्राई कर लेते हैं। तो ये भी मछली जो है फ्राई हो गया है, निकाल लेते हैं, पूरा ही बचा है, पूरा मछली हम फ्राई कर लिए हैं। पूरा फ्राई हो जाए, क्योंकि पूरा ही फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों पूरा फ्राई करते हैं, उसके बाद मछली रेसिपी एकदम दमदार बनेगा। आइए दोस्तों फ्राई कर लेते, दोस्तों पूरा फ्राई हो गया, तो ये पूरा भी निकाल लेते हैं। दोस्तों सारे मछली फ्राई कर लिए हैं, तो चलिए मछली रेसिपी बनेगा। तो अब हम मसाला भुनेंगे, तो मसाला भुनेंगे दोस्तों, तो बड़ा सा कढ़ाई में भुने हैं, क्योंकि छोटा कढ़ाई में तल लिए हैं, और बड़ा सा कढ़ाई में हम रस लगाएंगे। चले दोस्तों बड़ा सा कढ़ाई चढ़ाते हैं, मसाला को भूनते हैं और मछली रेसिपी बनाकर तैयार करते हैं। आइए दोस्तों और मसाला को भूनते हैं। तो जीरा का और सरसों का फोरन डाल दिए हैं, सरसों को चटकने देते हैं थोड़ा। दोस्तों पेस्ट हम पीसे हुए थे, सब पेस्ट डाल देते हैं, आइए पेस्ट डालते हैं। दोस्तों मसाला जो आपको दिखाया था मसाला हम डाल देते हैं इसी में, पानी डाल देंगे। तो दोस्तों मसाला सारे डाल दिए हैं, और इसमें अब हम टमाटर डाल देंगे, टमाटर डालकर भूनेंगे, और इसमें दोस्तों साथ ही नमक भी डाल देंगे, टमाटर जो है अच्छी तरह से भुना जाएगा, और हल्का पानी डाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों मसाला को हम 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेते हैं, ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाए। खाती हूँ, मेरा मसाला जो है अच्छी तरह से भुना कर तैयार हो गया है।
तो देखिए दोस्तों इतना अच्छा से जो है मसाला भुनाया है, चारों तरफ से जो है ऑयल भी छोड़ दिया है और साथ ही टमाटर भी गल दिया है। इसलिए दोस्तों ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। पानी डालेंगे, दोस्तों ग्रेवी के लिए पानी डाल दिए हैं, रस में उबाल आने देते हैं। उसके बाद दोस्तों फिश फ्राई जो किए हैं डाल देंगे, तो 2 से 3 मिनट लगेगा रस उबल जाएगा। उसके बाद हम मछली को डाल देंगे जो फ्राई किए हैं। ताइए दोस्तों 2 मिनट तक उबलने देते हैं रस को। रस में उबाल आ गया तो हम मछली फ्राई जो किए हैं डाल देते हैं। ताइए दोस्तों दिखाती हूँ, देखिए दोस्तों मेरा जो रस है उबल रहा है तो हम मछली को डाल देते हैं। ये दोस्तों मछली हम डालते हैं। इसको हम छलनी से चला देते हैं ताकि रस के अंदर चला जाएगा। रस में डुबा दिए हैं, 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं रस के साथ। उसके बाद हम उतार लेंगे। तो चलिए दोस्तों मेरा जो है मछली रेसिपी बनकर तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों इतना ग्रेवी रखेंगे क्योंकि चावल के साथ खाना है। ताइए दोस्तों उतार लेते हैं चूल्हा पर से। पहले से बनाए हुए हैं तो थाली में परोसते हैं। चावल परोस लिए हैं, तो आइए हम मछली को परोस लेते हैं। मछली परोस लिए हैं तो रस परोसते हैं। तो चावल के साथ मछली थाली में परस लिए है। तो आइए दोस्तों बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप मिलेंगे अगले नए न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।